वहीं किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन के समर्थन में आज नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के किसानों ने भरी हुंकार। हजारों की संख्या में पहुंचे जिला मुख्यालय और किया जिला मुख्यालय का घेराव, साथ ही जिला मुख्यालय की सड़कों पर अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। वहीं पत्रकारों से बात करने के दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ नरसिंहपुर जिले के उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन कौरव ने यह बात रखी कि 2011 में पीएम मोदी ने जो मांगे उस समय की सरकार से मांगी थी, वही मांगे आज किसान मांग रहा है। साथ ही जो लोग किसानों के इस आंदोलन को गलत नजरिए से देख रहे हैं, खालिस्तानी और आतंकवादी जैसे नामों से संबोधित कर रहे हैं, उन पर निशाना साधते हुए कहा वही लोग असली आतंकवादी हैं, उन्हें ही आतंकवादी करार दिया। वहीं नरसिंहपुर जिले के राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष एकम पटेल ने पत्रकारों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की दी चेतावनी। नए कृषि कानून बिल को रद्द करने के लिए जिला मुख्यालय में दिया धरना और सौंपा ज्ञापन। देखिए आज की आवाज न्यूज से राजाराम पटेल की रिपोर्ट। मुख्यतः जो मांगे हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हुआ है, और हमारी जो मांगे हैं, जो देश भर में किसान जो दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं कि जो सरकार ने जो 3 कानून बिल पास किए हैं किसानों के विरोधी, उनको रद्द करें, और जो पूरे देश के किसानों की मंशा है, जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट है, उसको लागू करें, जिससे कि कुछ किसानों का कल्याण हो सके। इस संबंध में हम सभी किसान यहां नरसिंहपुर आए हैं और दिल्ली के किसानों को और ये सरकारों को ये बताना चाह रहा है कि अकेले वो 2 प्रदेशों के किसान नहीं है, पूरे भारत के किसान उनके साथ खड़े हो गए हैं, और वो धैर्य रखें और पूरी लड़ाई तन्मयता से लड़ें। हम लोग भी बहुत जल्दी उनके पास पहुंच रहे हैं एक बहुत बड़ी संख्या लेके, ऐसा यहाँ पिछली आए हैं। आज डबरा में भी नए कृषि कानून को लेकर एक मामला दर्ज हुआ, इससे लग रहा है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, और फिर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अभी। अगर सरकार ने 3 किसान बिल माफ रद्द नहीं किए तो हम सभी किसान वो कितने हम लोगों पे मामले बनवाएंगे। अब आगे भी हमारी भी तैयारी चल रही है, अगर दिल्ली वाले आह्वान करेंगे तो हम राजमार्ग को जाम करेंगे। हमारों की ऐसी अभी प्लानिंग चल रही है कि हम भी उनके साथ में हो जाएंगे, और जो सरकारों को करना है हमें मार डाले, हमें गोली लगा दें। और वैसे ही हम आज जो अर्धनग्न कर बस्ते यहाँ छोड़ के जो आए हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं मंशा यही है कि इन सरकारों ने किसानों को ऐसा भूखा नंगा कर दिया है कि वो तो नाम मात्र के वस्त्र पहने हुए है, वास्तव में ये खोखले और नंगे हो चुके हैं किसान। ये किसान विरोधी सरकार है, तो हम संघर्ष करेंगे, और चाहे इस संबंध में हम चाहे किसी भी हद तक जाएं, हम लोग संघर्ष करेंगे। सभी किसान संगठनों ने जो 15 मांगे रखी थी उसमें से लगभग 13 मांग भी उन लोगों ने मान ली है, और फिर अभी मतलब फिर 2 मांगे ऐसी कौन सी है जो सरकार नहीं मान रही है? क्या है, हम किसान वो ही मांग रहे हैं जो 2011 में मोदी जो 7 प्रदेश भाजपा के थे, और उस टाइम पे 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार रहती उस दौरान जो मोदी जी मांगने गए थे वही चीज हम लोग मांग रहे हैं। और आज मोदी कहता है कि हम सबसे अगल हैं, मोदी अगल नहीं है, जो कांग्रेस सरकार 50 साल से करती आ रही थी वही सारे काम वो भ्रष्ट मोदी कर रहा है। कहने के लिए वो कह रहा है कि ये किसान है तैसी, अगर किसान है तैसी होती तो 2011 में मनमोहन सिंह के पास क्यों गया था? जब मोदी क्यों गया था, इसको नहीं जाना चाहिए था। अगर मोदी उस टाइम पर उधर गया था और सच्चा देश है तैसी है और सच्चा किसान है तैसी है, तो उसको 2011 में जो मांग कर रहा था, और सच्चा अगर है वो हिंदुस्तानी तो वो उसको वो मांग पूरी करना चाहिए, जो मांगने गया था उसको देना चाहिए। एक कानून बनाने के पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। सभी के जितने भी मुख्यमंत्री शामिल थे, भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, दोनों सत्ता में जाने के बाद में किसान विरोधी ही चाल चल रहे हैं, और अगर ऐसी ही चाल चलते रहे तो मैं तो कह रहा हूँ जितना विलम्ब मोदी करेगा 2021 में ऐसा न हो कि जो 71 की जन क्रांति थी वो किसान द्वारा पूरे देश में जन क्रांति आने की स्थिति में है। अगर थोड़ा सा और रुक गया मोदी तो जो तय पूरे देश में क्रांति किसानों द्वारा आएगी और इस देश की दशा और दशा सारी बदल के रख